मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, वाटर मैनेजमेंट और हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जो है, बहुउद्देशीय योजनाएं जो है, वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम ब्रीफली रीड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, और सुनने के बाद इस पर आपको नोट भी बनाना है, नोट्स बनाना, ठीक है। तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज स्टार्टेड इन 1948 एंड कम्प्लीटेड इन 1963। जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वो 1948 में स्टार्ट किया एंड 1963 में ये कम्प्लीट हो गया था। दिस इज द कंट्रीज बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज सिचुएटेड ऑन रिवर सतलज नियर बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। ये हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, योजना थी, जो कि कहाँ बनाई गई, कहाँ पर इसको बनाया गया, सतलज नदी के पास में बिलासपुर के अंदर, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। किस कहाँ जगह क्या बताएंगे, बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। देन दिस इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना थी, परियोजना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन पावर एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन्स बिटवीन रिवर सतलज एंड यमुना। अब ये जो इस योजना के द्वारा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो सतलज यमुना नदी के बीच में जो आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए जो इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध करवाना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए और आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए इस योजना को बनाया गया। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत टू डेम्स हैव बीन बिल्ट इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस प्रोजेक्ट के अंदर दो डैम बनाए गए जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर, एंड फर्स्ट कहाँ पर है, कहाँ पर बनाए गए, पंजाब के अंदर। फर्स्ट भाखड़ा डैम इन 518.16 मीटर लॉन्ग, ये 518.16 मीटर लंबा एंड 167.64 मीटर हाई और 167.64 मीटर जो है ये हाई है। बिल्ड ऑन एलिवेटेड पिलर्स ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, दिस इज बिगेस्ट डैम अमंगेस्ट द वर्ल्ड स्ट्रेट डैम्स। और ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा स्ट्रेट जो है डैम बनाया गया है, जो कि कंक्रीट से और पिलर से बनाया गया है, सीमेंट से बनाया गया है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड स्ट्रेट डैम से, ध्यान रखना। एंड सेकंड कहां पर बनाया गया है, सेकंड है भाखड़ा डैम विच इज बिल्ट 13 किलोमीटर लोअर एट ए प्लेस कॉल्ड नांगल, फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग एडिशन वाटर ऑफ भाखड़ा डैम। और इसका दूसरा जो डैम बनाया गया है वो भाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं नांगल, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भाखड़ा डैम से, डैम की तरह ही जो पानी कलेक्ट करना है। एंड फ्रॉम दिस डैम सेवरल कैनल्स इंक्लूडिंग भाखड़ा कैनल, श्री हिंद कैनल्स, ननगवाल कैनल्स, बिस्ट दोआब कैनल एंड नरवाना केलर हैव बीन क्रेव्ड आउट फॉर इरिगेशन पर्पस एंड नांगल पावर प्लांट एंड टू पावर प्लांट्स इन कोटला एंड गुंगुमवाल हैव बीन बिल्ड। और इस जो नांगल डैम के द्वारा जो है बहुत सारी जो कैनल्स निकाली गई हैं, जो कि बहुत, जैसे कि भाखड़ा कैनल है, श्रीहंत कैनल है, नांगल कैनल है, बिस्ट दोआब कैनल है, ऐसे करके कुछ कैनल्स निकाली गई हैं जो कि सिंचाई के लिए यूज करी जाती हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग अमेजिंग एंड एस्टोनिशिंग इन दिस डैम एंड व्हेन यू लुक इट यू फील एक्साइटमेंट इन योर हार्ट। भाखड़ा इज मॉडर्न टेम्पल
ऑफ रिवाइव इंडिया एंड इट इज अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम इस डैम को देखते ना एकदम से बहुत अचंभे रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं इसको, इस इतने बड़े डैम को देखकर, है ना, हम उसकी तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है हमें, है ना, कि कैसे बना होगा, क्या किस तरह से बनाया गया होगा, है ना। इस तो और इसे इसको भारत का जो है क्या कहा गया है, आधुनिक मंदिर भी कहा गया है, ठीक है, मॉडर्न टेम्पल भी कहा गया है, ठीक है, भारत के लिए। और ये क्या है, भारत के डेवलपमेंट का सिंबल है, भारत के विकास का प्रतीक कहा गया है भाखड़ा नागल बांध को, ठीक है। ये किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट समझ में आ गया, तो इसको इसका हमें नोट्स बनाने हैं। देन सेकंड जो प्रोजेक्ट जो है वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सेकंड प्रोजेक्ट में देखिए क्या है, कहां पर सिचुएटेड है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एंड ए जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये हमारे स्वतंत्र भारत का पहला जो है संयुक्त परियोजना थी वेस्ट बंगाल और झारखंड की। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948 ऑन रिवर दामोदर विच इज नोन एज बंगाल सोरो। ये जो बांध जो है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, वो कहाँ पर बनाई गई है, दामोदर नदी पर। 1948 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इससे हर साल इस नदी में बाढ़ आने की वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा जनधन की हानि होती है, तो इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दिस रिवर वॉज डिमांड फॉर इट्स अनसर्टेन रूट, सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। और इस नदी जो है बहुत ज़्यादा, इसके जो रूट की वजह से ये बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है, बांध जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से अपना रास्ता बदल लेती है, और जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है। दिस रिवर फ्लोस फ्रॉम 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू। और ये जो है, ये नदी जो है वो 290 किलोमीटर जो है ईस्ट साइड से नागपुर प्लेट्यू के, नागपुर जो, नागपुर का जो पठार जो है उसके ईस्ट साइड से निकलती है एंड इनटू बिहार एंड झारखंड एंड फ्लोस फॉर 250, कहाँ पर, बिहार और झारखंड के अंदर, एंड फ्लोस फ्रॉम 240 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में 240 किलोमीटर ये बहती है एंड देन फॉल्स इनटू रिवर हुगली, और उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। फिर बाराकर, बोकारो एंड कोनार आर ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर एंड दिस रिवर अफेक्टेड 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया थ्रू फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियाँ, जो दामोदर नदी की जो सहायक नदियाँ जो है, बाराकर, बोकारा, कोनार, इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये हमारे भारत के 1800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इफेक्ट करती हैं फ्लड और सॉइल इरोजन के द्वारा। Therefore, the Indian government established Damodar Valley Corporation as per the format of Tensas Valley Corporation in America. और इस कारण जो है दामोदर नदी पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन फॉर्मेट की स्थापना करी गई, इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये किसको देखकर बनाया गया है, जो अमेरिका के अंदर जो टेंसी नदी के ऊपर टेंसी वैली कॉरपोरेशन जो बनाया गया है उसको फॉलो कर ये बनाया गया है। दिस प्रोजेक्ट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास करना, कहां पर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर, और लोगों का, स्थानीय लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको सुधारने के लिए इसका इसका मेन उद्देश्य है। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिथौन, बेलाफ्री एंड तिलियास डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन रिवर बाराकर, बोकारो डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर बोकारो। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मिथौन, बेलाफ्री एंड तिलियास डैम जो है बिल्ड किए गए हैं इस नदी के ऊपर। कौन सी नदी, बाराकर, बोकारो डैम बाराकर के ऊपर, एंड बोकरा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर बोकारो, और बोकारो डैम के ऊपर, जो बोकारो नदी के ऊपर बोकारो डैम बनाया गया। देन
कोनार डैम हैज बीन बिल्ड ऑन रिवर कोनार, और कोनार नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है, कोनार डैम बनाया गया है। ठीक है, अघर डैम, बर्मा डैम, बालासारी, एट डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन रिवर दामोदर, और दामोदर नदी के ऊपर लगभग 8 डैम बनाए गए हैं। इन एडिशन टू दिस दुर्गापुर बैराज 3 पावर प्लांट्स इन बोकारो, चंद्रपुरा एंड दुर्गापुरा एंड 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनल सिस्टम है ऑल्सो बीन डेवलप्ड। इसके अलावा जो है जो डैम इन 8 डैम के अलावा जो है कुछ 3 पावर प्लांट्स, बोकारो पावर प्लांट्स जो है वो, और कुछ कैनल जो है वो इससे निकाली गई है इस दामोदर नदी के द्वारा। ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हमने दो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, इन दोनों पर आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और इसको लर्न करना है। थैंक यू।